कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए बुलंदशहर के दवा व्यापारी जगदीप कुमार मोदी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। ये मोदी जी, आपने जो आज कोई मुकदमा दर्ज किया राहुल जी के खिलाफ? जी हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, मानहानि का मुकदमा दायर करा है। क्या विषय था? विषय था कि मोदी, सभी मोदी चोर है। ये उन्होंने एक कोलार में दिए गए, कोलार में एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर है, तो हम चोर कैसे हो सकते हैं? हर मोदी चोर क्यों है? तो पब्लिक भी आपको भी उसी नजर से देख रही होगी जी। तो पब्लिक आपको भी, आप भी मोदी हैं? हाँ, हमें पब्लिक ने तो आकर के जो हमसे कहा कि लो मोदी जी आ गए, ये भी ऐसे ही है, ये भी चोर है। अच्छा, इसलिए मैंने मुकदमा तक काम करा है। तो मुकदमा कर दिया आपने? हाँ, मुकदमा मैंने काम करा दिया। आजम खान की ओर से जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर संभल में महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने आजम खान का पोस्टर फूंक कर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि वो नारी शक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। आजम खान जी जो बहुत ही अच्छे इंसान नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए, हमारी जयप्रदा जी का अपमान किया है, नारी शक्ति के लिए बहुत ही, हम सब लोग शांत नहीं बैठेंगे, हिंदू समाज के सभी लोग उन पर, आज हम सब लोगों ने इसीलिए उनका, जो उन्होंने हमारी जयप्रदा जी के लिए अपमान करा है, उसके लिए हम सब आवाज़ उठाएंगे और हम सब नारी शक्ति मिलके इसमें आगे बढ़कर उनकी बेइज्जती करेंगे, उनका अपमान करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जालौन के कोंच में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस के पार्टी अध्यक्षों के खिलाफ जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती और आजम खान को भी आड़े हाथों लिया। हमारा निशाना है विकास पर, हमारा निशाना है आतंकवाद के अंत पर, हमारा लक्ष्य इस देश का सर्वांगीण विकास है। इस देश को जातिवाद से आगे ले जाकर के हम विकासवाद की ओर, राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर कोई सरकार, अगर आपने बना करके हमको देने का काम किया जिस भरोसे और विश्वास के साथ, तो हर किसान के जीवन में खुशी हो, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, लगातार इस बात का प्रयास होता है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बॉडी बिल्डर पर 21 राउंड फायरिंग की गई है। 7 लोगों पर हमला करने का आरोप है। बॉडी बिल्डर की मौके पर ही मौत हो गई। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र के तातीबड़ा रोड का है, जहां पर 26 साल का दीपेंद्र अपने घर के पास खेत के बाहर खड़ा हुआ था। आरोप है कि 7 लोग आए और उन्होंने कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। निशाने पर दीपेंद्र था और कई गोलियां दीपेंद्र को लगी। दीपेंद्र को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। क्या नाम भैया आपका? विकास। ठीक, क्या बात हुई आपके घर पे जो घटना हुई, क्या मामला पूरा? भैया मैं पीछे यहाँ खेतों पे काम कर रहा था, काम ख़त्म हो गया तो घर के लिए जा रहा था, एक पास में बम्बई, बम्बई के पीछे खेत है, तो एकदम से फायरिंग की आवाज़ हुई, तो मैं भी जल्दी से एकदम से इधर आया, पर क्या फायरिंग हो रही है, तो फायरिंग होते हुए मैंने देखा कि इनके खंजरपुर वालों के लड़के हैं, जितेंद्र अंकल जी के, अक्षय है, सनी है, जोड़ी वालों के लड़के हैं। कितने लोग थे? करीबन 7 जने थे, जो अच्छा। मैंने एकदम से हथियार लेकर जाते हुए देखे हैं। इसमें जो है जोड़ी वालों के लड़के हैं, अंकित है, हरिया है, और जी एक लड़का और है, क्या नाम उसका, तो कितने राउंड, मोती, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? करीबन 15-16 राउंड फायरिंग हुई होंगी। एक भानु नाम का लड़का है जो तिबड़ा रोड पे रहता है, वो भी था। दिन दहाड़े मार गए? हाँ, करीबन ये शाम की 5 बजे घटना है। पीछे उधर में ईंट का खेत है, वो बोरे थे, जैसे ही वो काम खत्म हुआ तब देखा मैं, एकदम आवाज़ सुन के इधर आया, फिर मैं ही उसको एकदम से लेके गया हॉस्पिटल। जैसे आया एकदम से देखा कि वो तो जो है उसको फायरिंग लगी है, गोली वोली लगी हुई थी, मैं उसको लेकर तुरंत ही गया। ठीक। लोकसभा चुनावों को लेकर काम डाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी जीत के समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में आगामी 12 मई को मतदान होगा और तमाम उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा, और जब 23 मई को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उम्मीदवारों के सेहरे पर जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि करनाल पानीपत सीट से बसपा सपा ने पंकज रोड़ को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, और पंकज रोड़ लगातार जनता के बीच जाकर
चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज भी पंकज रोड ने कई गांव का तूफानी दौरा किया, जहां पर उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। संभल से भाजपा के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिलारी में कहा कि पहले चरण के चुनाव से साफ हो गया है कि देश में मोदी की आंधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दो तिहाई बहुमत मिलता देख विपक्ष ईवीएम को कोसने लगा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत को लोकतंत्र की जीत बताने वाले हारते ही ईवीएम में गड़बड़ी बताने लगते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शाहजहांपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ ने कहा कि पुलवामा की आतंकवादी घटना के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस सिखाया, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि बताओ कितने मारे। राजनाथ ने कहा कि लाशें गिनने का काम उनका नहीं गिद्धों का है। इस देश के परिवारों के केवल 50% बैंकों में खाते खुले थे, महीने भर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने 100% परिवारों के बैंकों में खाते खोल दिए। सारी दुनिया अचंभित है, 34 करोड़ खाते कुछ ही महीनों के अंदर खुल जाना भारत में नहीं दुनिया के इतिहास में मेरे बहनों भाइयों कहीं नहीं हुआ। मैं चीन गया था दौरे पर, वहां के सारे ऑफिशियल्स, वहां के बड़े बड़े नेता हमसे ये पूछ रहे थे कि सर ये भारत में हुआ कैसे 34 करोड़ खाते लोगों के खुल गए। ये अक्सर करिश्माई काम है बहनों भाइयों जिसको के बारे प्रधानमंत्री ने किया। इस धरती के ऊपर का सब आसमान दिख रहा है, उसे अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं अंग्रेजी में। सैटेलाइट चलती रहती है, लगभग 1 स्क्वायर मीटर की होती है, उससे बहुत सारे सिग्नल आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा हवाई जहाज उड़ी, आधे मिनट 1 मिनट बाद दूसरी हवाई जहाज उड़ गई, तीसरी उड़ गई, उधर से भी हवाई जहाज आसमान में आ रही, इधर से भी 4-6 आ रही है, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। यह सब सारा जो सिस्टम रेगुलेट होता है, चलाया जाता है, जो सिग्नल वहां से आते हैं उसी से सब सारी व्यवस्थाएं चलती है। ट्रेनों का भी चलना हुआ, आपका इंटरनेट है, मोबाइल है, यह सब सेटेलाइट जो चलती रहती है, लगभग सभी देशों में सेटेलाइट चलती है, उसी से काम होता है। दुनिया का कोई देश जिसके पास उस सेटेलाइट को तोड़ने की ताकत हो, यानी एंटी सेटेलाइट मिसाइल हो, तो किसी भी देश की सारी गतिविधियों को वो ठप कर सकता है। और यह ताकत दुनिया में केवल 3 देशों के पास थी, रूस, चीन और अमेरिका। यदि वह देश कोई चाह लेता पहले कि भारत की जो सेटेलाइट है उसको तोड़ दें ताकि भारत पूरी तरह से अपंग हो जाए, कुछ कर ही न पाए, सारी गतिविधियां ठप हो जाए, तो कर सकता था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी बहनों भाइयों, दुनिया के 3 देशों के पास यह ताकत थी। भारत भी अब शामिल हो गया है, हमारे VDRDO और इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा एंटी सेटेलाइट मिसाइल तैयार कर लिया है कि दुनिया का कोई देश यदि अपनी एंटी सेटेलाइट मिसाइल भेजकर हमारे सेटेलाइट को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लॉन्च होने के 3 मिनट के अंदर ही हमारा एंटी सेटेलाइट मिसाइल उसे मार गिराएगा। यह ताकत भारत में है। से पहले बात करते हैं उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां किसानों ने क्रय केंद्र ना लगाए जाने के विरोध में धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंडी, कृषि उत्पादन मंडी समिति सितारगंज में कुछ किसान भाई जो है आए थे, ज्ञापन दिए जो है राज्यपाल महोदय को कि उसमें जो है संज्ञान के लिए, तो वो उच्च अधिकारियों को जो है अब जो है उनको प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा भी ऊपर से दिशा निर्देश होगा उसके उसी के तहत जो है काम किया जाएगा। कम क्रय केंद्रों पर तौल नहीं हो रही है, अभी कल परसों से तौल जो है शुरू हुई है, इस वजह से जो है किसान लोगों को जो है सही रेट नहीं मिला, इसलिए आए थे ज्ञापन देने। ये जो गेहूँ क्रय तौल केंद्र बनने हैं, इन्हें मैं सोचता हूँ कि शायद 15 दिन पहले तय हो जाना चाहिए। जब हम यहाँ जनप्रतिनिधि थे, एक एक महीने पहले तय हो जाते थे, अधिकारी सब यहाँ आते थे और हम तय करते थे और किसानों की इच्छा के अनुरूप भी जगह स्थान तय हो जाते थे। जी। अब यह है कि ये जो मंडी है, ये यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का SMI है, यहाँ की जो मंडी है,
और ये जो बिल्कुल ये जो डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने जिन पे जिम्मेदारी है टोल केंद्र खोलने की, ना तो इन पे अंबारदाना है ना इन्होंने जगह अगर तय भी किए हैं तो अभी शुरुआत नहीं जी। मेरी जानकारी में है, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि एक क्विंटल पे किसानों को 400 रुपए का नुकसान हो रहा गेहूँ पर जी, हो रहा। और ये सब इनकी मिली भगत है सब लोग। तो 20 तारीख को हमें 11 बजे यहाँ आना है और इस मंडी में ताला डालना है सबसे पहले, क्योंकि 30 अगर कांटे नहीं खुले तो यहाँ मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को होगा। अब ये नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के जो अभी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसानों को 2000 रुपए देने की और तीन चार उसमें चीज़ें भी हैं कि भाई किसान 2000 रुपए से ये करेगा प्रिस्क्राइब किया है। और फसल बीमा योजना जो है वो निरर्थक तो है ही है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी जालसाजी है, करप्शन का विषय है वो। तो किसान ये प्रधान ये जो विधानसभा है ये जो इलाका है कृषि प्रधान क्षेत्र, अगर यहाँ के किसानों की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हम भाई काहे के जनप्रतिनिधि हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो शायद आड़तियों से ज़्यादा उनका संबंध है या प्रशासन के लोगों से, शायद उनके कमाई का धंधा भी हो सकता है। तो मैं आरोप लगा रहा हूँ और बहुत ही किसानों के साथ, यहाँ ये बड़े और छोटे किसान सभी तरीके के किसान भी हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। आज तो शॉर्ट टाइम पर हम लोग आए हैं और यहाँ का जो सचिव है, मैंने कल उनसे कहा था, छुट्टी भी थी, लेकिन उन्होंने हमारी भावनाओं को ध्यान में रख के सचिव ने यहाँ पे अपने लोगों से कहा कि ज्ञापन लेना चाहिए। मैं इसके लिए तो धन्यवाद देता ही हूँ, क्योंकि हमने ज्ञापन कोई मंडी सचिव को तो दिया नहीं है, हमने ज्ञापन दिया है गवर्नर को। ये अगर पहुँचा देंगे सही है, हो सकता 30 तारीख से पहले हमारे कांटे खुल जाएँ, और नहीं खुलेंगे तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, इस पर ताला डालेंगे मंडी में। ये बात मैं कान में नहीं मैदान में कह रहा हूँ। कौशाम्बी जिले के सरियाए गांव के पास तेज रफ्तार ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर ने एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी एक मरीज है जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी आया, उसके बाद हमने जांच करके देखा कि वो रॉटेड है, पहले से ही खत्म हो चुका है, आया हुआ है। अभी नहीं आए, अभी उनका आ रहे हैं रास्ते में। करौली में मूल निवासी सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें 170 जोड़े परणीय सूत्र में बंधे। जयपुर से आए कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सर, आपने ये व्यवस्था सम्मेलन के लिए सामूहिक आपकी जो संस्था है मूल निवासी सर्व समाज संस्था, तो इसमें क्या व्यवस्था की है आपने लोगों के लिए? व्यवस्था है सर, उपहार स्वरूप हमने प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, एक पलंग, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, एक पंखा, 5 सोने चांदी के आइटम दिए हमने वधू के लिए। उसमें एक तो सोने का मंगलसूत्र, एक सोने की कान की बाली, कान के गुंडक, नाक की बाली, पाइजेम, और 4 चुटके हमारी बेटी के लिए, जितने भी जो भी सामान आवश्यकता के होते हैं गृहस्थी के लिए वो सारे हमने बर्तन 20 बर्तन दिए। कितने जोड़े आए हैं आपके इसमें? करीब सर हमारे टोटल 170 जोड़े इस समय विवाह सम्मेलन में। कौन कौन समाज इसमें? सभी समाजों के हैं, 3 जोड़े 4 जोड़े हमारे पास मानिकी समाज के हैं, इस्लाम धर्म के हैं, 1 जोड़ा हमारे बौद्ध धर्म का है, और करीब बाकी जोड़े हमारे हिंदू धर्म। कितने सम्मेलन अब तक आप करवा चुके हैं और आगे करते रहेंगे क्या? सर, करौली में हमारा पहला सम्मेलन है, पहले हम बाकी अन्य शहरों में करते थे, आगे भी हम करौली में इस तरह के अगर इस यहाँ के लोगों का इस तरह सम्मान मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, हम आगे भी इसी तरह सम्मेलन करते रहे। धन्यवाद सर।